हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी है आतंकी दुनिया के सरदार कहे जाने वाले ओसामा बिन लादेन की, जिसके गंदे मंसूबों के कारण लाखों लोगों ने अपनी जान गंवानी पड़ी। दुनिया की नज़रों में लादेन का नाम तब सामने आया जब उसके आदमियों ने 2001 में अमेरिका के ट्विन टावर पर हमला किया, जिसमें लगभग 3,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस घटना को 9/11 के नाम से जाना जाता है और इसके बाद अमेरिका पूरी तरह से हिल चुका था। पूरी CIA अलकायदा के लीडर लादेन को पकड़ने की कोशिश करने के बाद हार मान चुकी थी। वह एक मामूली CIA एजेंट के विश्वास के दम पर लादेन को सीक्रेट ऑपरेशन के तहत मार गिराया गया। ये कहानी भी इसी CIA एजेंट के मिशन पर है। तो कहानी की शुरुआत में हमें 9/11 की घटना के ठीक 2 साल बाद अमेरिका के सीक्रेट ऑपरेशन की डार्क साइड को देखते हैं। डार्क साइड एजेंसी का खुफिया ठिकाना है, जहाँ एजेंसी उन कामों को अंजाम देती है जिसके बारे में वहाँ की सरकार को भी नहीं पता होता। यहाँ पर CIA का एजेंट डैन अलकायदा से संबंध रखने वाले एक आदमी को बंदी बनाकर पूछताछ कर रहा है। इस आदमी का नाम है अम्मार और इसे पाकिस्तान के कराची से पकड़ा गया है। इसके ऊपर इल्ज़ाम है कि इसने और इसके अंकल ने $5,000 उन आतंकवादी को ट्रांसफ़र किए थे जिन्होंने 9/11 के हादसे को अंजाम दिया था। इसका मतलब अम्मार भी उन लोगों से मिला हुआ है। यहाँ हम एजेंट डैन के साथ स्पेशल एजेंट माया को भी देख सकते हैं, जिसे अमेरिका की गवर्नमेंट ने हायर किया है। इसका काम है लादेन से संपर्क रखने वाले हर एक इंसान के ऊपर करीब से नज़र रखना, ताकि उनकी मदद से लादेन को पकड़ा जा सके। डैन पूछताछ के दौरान अम्मार को उसके सऊदी ग्रुप के एक दोस्त की पिक्चर दिखाता है और कहता है कि यह आने वाले दिनों में सऊदी अरेबिया में कुछ बड़ा करने वाला है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे इसकी ईमेल आईडी बता दो, ताकि तुम्हें हमारी मार ना सहनी पड़े। लेकिन अम्मार अपने ग्रुप के लिए इतना वफादार है कि वो कुछ नहीं बताता। इसके बाद डैन उसे 3rd degree देना शुरू करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम पाकिस्तान में US गवर्नमेंट की एम्बेसी को देखते हैं, जहां माया की पोस्टिंग हुई है। दरअसल लादेन के ऊपर इंटरोगेशन करने के लिए उसका Washington DC से सीधा पाकिस्तान ट्रांसफर कर दिया गया है। अब माया सबसे पहले एम्बेसी के स्टेशन चीफ जोसेफ ब्रैडली से मिलती है, फिर अपने ऑफिस में नए टीममेट से मिलती है। अगले दिन डैन माया के साथ फिर से अम्मार से मिलता है और डार्क साइड पर जाता है, और आज भी उसे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, इसलिए वो अम्मार को एक छोटे से बक्से में बंद कर देता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और 1 साल बाद सऊदी अरेबिया के किसी होटल में कुछ आदमियों ने बहुत सारे लोगों को गोली मार डाली। अब डैन इस न्यूज़ को देखने के बाद खुद को इस घटना का जिम्मेदार मानता है, क्योंकि वो अम्मार से जानकारी निकलवाने में नाकामयाब रहा। माया कहती है कि अम्मार नहीं जानता कि यह घटना हो चुकी है, इसलिए अगर हम उसे कई दिनों तक सोने ना दें, जिससे कि उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा और फिर उसे बताएं कि हमने उसकी दी हुई इन्फॉर्मेशन से सभी आतंकवादी को पकड़ लिया, तो हमें कुछ और जानकारी मिल सकती है। वेल, माया का यह आइडिया काम आ जाता है और दिमाग अनस्टेबल होने की वजह से अपने 3 दोस्तों के नाम वो बताता है, जिसमें से 2 को माया और डैन पहले से जानते थे, लेकिन 3रा नाम था अबू अहमद अल कुवैती। इस नाम को डैन और माया ने पहली बार कभी नहीं सुना था। अम्मार बताता है कि अबू पहले अलकायदा का कंप्यूटर एक्सपर्ट था और लादेन के लिए काम करता था। मैं उसे पहली और आखिरी बार कराची में मिला था, जहां उसने लादेन का मैसेज सुनाया था, जिसमें लिखा था कि जिहाद रुकना नहीं चाहिए, चाहे कितने भी साल लगे, जीत हमारी होगी। अब माया को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो अलग अलग आतंकवादियों के बयानों को सुनती है, तो उसे पता चलता है कि अबू अहमद एक कड़ी है जो बिन लादेन को उसके आदमियों से जोड़ती है। अब अबू माया का नेक्स्ट टारगेट बन चुका था, क्योंकि अगर अबू अहमद पकड़ा जाता है तो उससे मिलने वाली जानकारी से अलकायदा के लीडर लादेन को भी पकड़ा जा सकता है। माया जब इस बात की जानकारी स्टेशन चीफ जोसेफ ब्रैडली को बताती है, तो वह एक्शन लेने से मना कर देता है, क्योंकि उसके पास अभी कोई खास सबूत नहीं है। अब 1 साल बाद 7 जुलाई 2007 को लंदन में एक पब्लिक बस में धमाका होता है, जिसकी जिम्मेदारी लादेन लेता है और जिसकी वजह से एजेंसी उसे पकड़ने के लिए और ताकत लगा देती है। अब माया अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए पाकिस्तान की डिफेंस एजेंसी ISI के डिटेंशन सेंटर में जाती है। वहां जाने के बाद वो एक आदमी से मिलती है और जब उसे अबू अहमद के बारे में पूछती है, वो कहता है कि हमें जब भी उसकी ज़रूरत पड़ी तो उसने ही लादेन के संदेश को हम तक पहुँचाया था, हम उसके बारे में नहीं जानते। खैर, माया को यहाँ कुछ नहीं पता चलता, लेकिन उधर डैन और CIA के एजेंट अफगानिस्तान में फराज नाम के एक आतंकवादी को अपने जाल में फंसा कर पकड़ लेते हैं। माया जब फराज से पूछताछ करती है तो वो अबू अहमद को पहचानने से भी इनकार कर देता है। माया उसे बुरी तरह से मारती भी है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। अब माया फराज से सच निकलवाने के लिए डैन से मदद मांगती है, लेकिन इस बारे में वो भी मना कर देता है और बताता है कि वो इस काम से थक चुका है और उसे इस दलदल में और ज़्यादा नहीं फंसना है, इसलिए वो वापस वॉशिंगटन जाकर ऑफिस में 9 to 5 की नॉर्मल ज़िंदगी बिताना चाहता है। डैन माया को अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन माया मना करती हुए कहती है कि उसकी लाइफ का एक ही मकसद है, किसी भी कीमत पर लादेन को पकड़ना, और वो पाकिस्तान में रहकर ही इसे पूरा कर सकती है।
अब डैन जाने से पहले माया को वार्निंग देता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा क्योंकि अब सभी तुम्हें और तुम्हारे काम को जानते हैं। अब एक साल बाद 20 सितंबर 2008 को माया अपनी एक कलीग जेसिका के साथ डिनर करने के लिए इस्लामाबाद की मैरियट होटल में आती है। जेसिका कहती है कि फराज ने अबू अहमद के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया, हो सकता है कि यह आदमी बस एक नाम है। माया कहती है कि अब फराज ने अबू अहमद को पहचानने से इनकार किया है तो उसका शक यकीन में बदल गया। माया जब उसे ये बता रही होती है तभी होटल में एक धमाका होता है, पर इन दोनों को एक भी खरोच नहीं आती क्योंकि जो आदमी धमाका करने आया था उसे होटल के गार्ड ने बाहर ही रोक लिया था और उसने वही धमाका कर दिया जिससे होटल के अंदर किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस घटना से थोड़ी दिनों बाद जेसिका को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अलकायदा के लोगों का इलाज करने वाला डॉक्टर इनको पैसे के बदले कुछ सबूत देने वाला है, कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला है, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आना चाहता और इसीलिए हमें पाकिस्तान से बाहर जाना होगा। जेसिका उसे मिलने के लिए अफगानिस्तान के मिलिट्री कैंप में जाती है। जब वो आदमी वहाँ आता है तो जेसिका उसे देख कर खुश हो जाती है, लेकिन वो आदमी एक ह्यूमन बॉम्ब होता है इसलिए वो अपने आप को उड़ा देता है और उसके साथ जेसिका और 7 एजेंट भी मारे जाते हैं। अब माया को जब ये न्यूज़ पता चलती है कि उसकी दोस्त की जान चली गई तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। तभी उसे एक और झटका लगता है, उसे पता चलता है कि अबू अहमद भी मर चुका है। जब वो सीडी प्ले करती है तो उसमें एक आतंकवादी कबूल करता है कि सन 2001 में उसने अपने हाथों से अबू अहमद को अफगानिस्तान में दफनाया था। इस खबर से माया थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि अबू अहमद आखिरी कड़ी थी लादेन तक पहुँचने की। कुछ दिनों के बाद उसकी एक कलीग बताती है कि 9/11 हमले के बाद मिले 10 नाम में से एक नाम इब्राहिम सैयद का था जिसे नकली पासपोर्ट के कारण अफगानिस्तान में पकड़ा गया और इस पासपोर्ट में उसका नाम था अबू अहमद अल कुवैती। अब इसके बाद माया नोटिस बोर्ड पर इब्राहिम सैयद यानी कि अबू अहमद अल कुवैती और उसके 8 भाइयों की तस्वीरों को देखती है। उसे पता चलता है कि इन सब की शक्ल एक जैसी है। इस बात की खबर माया वर्जीनिया में सीनियर पोस्ट पे काम करने वाले अपने पुराने दोस्त डैन को देते हुए कहती है कि अबू अहमद उर्फ इब्राहिम सैयद अभी भी जिंदा है। माया बताती है कि सन 2001 में वो अपने 2 भाइयों के साथ अफगानिस्तान गया था और उसकी मौत हो गई, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो अभी भी जिंदा हो और 2001 में जिसकी मौत हुई वो उसका भाई हो, क्योंकि अगर बिन लादेन का खास आदमी मरता है तो हर जगह उसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए थी। अब यहाँ माया डैन से मदद मांगती है कि उसे इब्राहिम सैयद का मोबाइल नंबर चाहिए। इसके बाद डैन कुवैत जाता है सीधा, वहाँ से प्रिंस से मिलता है और उसके एक लैम्बोर्गिनी देने का प्रॉमिस करता है, लेकिन इसके बदले में उसे इब्राहिम सैयद यानी कि अबू अहमद का फ़ोन नंबर चाहिए था। डैन कहता है कि उसकी माँ कुवैत में रहती है। प्रिंस कैसे भी करके उसे मोबाइल नंबर अरेंज करवा देता है, जिसे ट्रैक करने पर माया को पता चलता है कि आखिरी बार जब उसने अपना मोबाइल ऑन किया था तब वो पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में था, लेकिन ISI को इस बात का पता चलने पर भी उन्होंने माया की कोई मदद नहीं की। वहीं हम आगे देखते हैं कि 1 मई 2010 को न्यूयॉर्क सिटी में टाइम स्क्वायर के पास पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ी में पुलिस को एक्सप्लोसिव मिलते हैं। अगर ये फट जाता तो यहाँ बहुत सारे लोग मारे जाते। उधर माया अपने स्टेशन चीफ जोसेफ ब्रैडली से रावलपिंडी समेत पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में टेक्नीशियन भेजने को कहती है ताकि अबू अहमद को ट्रेस किया जा सके, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसे आदमी का पीछा करना बेकार है जिसका जिंदा होने तक की खबर ना हो। माया धमकी देती है कि मैं वॉशिंगटन वापस जा रही हूँ और आप गवर्नमेंट को जवाब देने के लिए तैयार रहिए। अब माया की धमकी से डर कर वो परमिशन दे देता है। अब रावलपिंडी और पेशावर में टेक्नीशियन बहुत दिनों तक उन जगहों पर निगरानी रखते हैं जहाँ अबू अहमद का मोबाइल आखिरी बार एक्टिव हुआ था, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इधर स्टेशन चीफ जोसेफ ब्रैडली को वापस अमेरिका बुला लिया जाता है। कुछ दिनों के बाद माया की टीम को मार्केट में अपने ट्रैकिंग डिवाइस में अबू अहमद के मोबाइल का सिग्नल मिल जाता है। कुछ देर तक सिग्नल का पीछा करने पर इन्हें पता चलता है कि इनके करीब से जो सफ़ेद रंग की SUV कार जा रही है उसमें अबू अहमद बैठा हुआ है। ये लोग जल्दी से कार का नंबर नोट कर लेते हैं और उनकी फ़ोटो को क्लिक कर लेते हैं। अब ये देखकर माया के चेहरे पर खुशी झलकने लगती है क्योंकि उसके इतने सालों की मेहनत अब रंग आने वाली थी। माया पूरे पाकिस्तान में अपने लोकल एजेंट को उस गाड़ी की खबर दे देती है और कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी उबाताबाद में देखी गई है जहाँ 2005 में अबू फराज रहा करता था। फिर जब माया अपने घर से बाहर निकलती है तभी 2 हथियारबंद आदमी उसके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन उसकी गाड़ी बुलेट प्रूफ होने के कारण वो बच जाती है। इधर अबू अहमद यानी कि इब्राहिम सैयद की सफ़ेद SUV का पीछा करने पर आखिरकार CIA को पता चल जाता है कि वो कहाँ रहता है। अब उन्हें पता चल चुका था कि वो कहाँ है, इसलिए एक मीटिंग में CIA के डायरेक्टर को अबू अहमद के घर का 3D मॉडल दिखाया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि इस घर की दीवारें 10 फीट ऊँची है और इसकी खिड़कियाँ हमेशा बंद रहती हैं। इस घर के अंदर झांकना मुश्किल है क्योंकि इसकी छत पर 7 फीट की दीवार बनी हुई है और ये घर पूरी तरीके से सुरक्षित है क्योंकि इसके आसपास पाकिस्तानी मिलिट्री कैंप बना हुआ है। डायरेक्टर के कहने पर CIA सैटेलाइट की मदद से इस घर के ऊपर निगरानी रखने लगती है। माया इस घर के ऊपर तुरंत हमला करना चाहती है,
लेकिन इसे हेडक्वार्टर से परमिशन नहीं मिलती। उन्हें उस घर के बारे में पता चलने के बाद भी बहुत दिन बीतते जा रहे थे। उसके बारे में वो अपने नए स्टेशन चीफ जॉर्ज के केबिन में डेली लिखती थी। अब 51 दिन बीत जाने के बाद माया के सीनियर को पता चला उस घर में 7 बच्चों के साथ 2 आदमी और 3 औरत भी हैं। लेकिन वो तीसरे आदमी को देख नहीं पाते। वो आदमी ताजी हवा खाने के लिए कभी कभी छत पर जाता था, लेकिन 7 फीट ऊंची दीवार और पेड़ पौधों के कारण हम उसे देख नहीं पा रहे। सेटेलाइट में छिपने का एक प्रोफेशनल तरीका है। जॉर्ज इस बात को अपने सीनियर को बताते हुए कहता है कि वो तीसरा आदमी उसामा बिन लादेन हो सकता, लेकिन सीनियर को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कोई छोटा मोटा ड्रग डीलर है या हथियारों का तस्करी करने वाला आदमी हो सकता है जो सैटेलाइट से बचने की कोशिश कर रहा है। अब जॉर्ज कहता है कि हमें उसके घर का कचरा टेस्ट करने की कोशिश करी, लेकिन वो सारा कचरा अपने कंपाउंड में ही जला देते हैं। उसने एक नकली डॉक्टर को वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बहाने उस घर में भेजा ताकि सभी लोगों के ब्लड सैंपल ले सके, लेकिन वो तीसरा आदमी तब भी बाहर नहीं आया। लेकिन अभी भी उसके सीनियर को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। इस घटना को 100 दिन बीत जाते हैं और अगली मीटिंग में जॉर्ज अपने सीनियर को बताता है कि इस घर में कम्युनिकेट करने का कोई भी सुविधा नहीं है, ना तो यहाँ पर इंटरनेट है और ना यहाँ फोन आता जाता है। जैसे आप बता रहे हैं कि वो कोई ड्रग डीलर है, तो वो इस तरह गुमनामी की जिंदगी क्यों जी रहा है? इतने पैसे होने के बावजूद भी वो 4 दीवारी में क्यों बंद है? अमेरिका के प्रेसिडेंट और सिक्योरिटी एडवाइजर कहते हैं कि वो किसी ठोस सबूत के बिना एक्शन नहीं ले सकते। जब वो जाने लगते हैं तो जॉर्ज कहता है कि एक दिन आपको ज़रूर पता चलेगा उस घर में ओसामा बिन लादेन था, और फिर आप कभी भी चैन के नींद नहीं सो पाएंगे और फिर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब ये सुनकर एडवाइजर उसके घर पर हमला करने के लिए प्लान बनाने को कहता है, क्योंकि अगर वो सच में लादेन है तो इससे बड़ी सफलता इन्हें कभी नहीं मिलेगी। इसके बाद माया और जॉर्ज अमेरिका की सबसे खुफिया जगह एरिया 51 में जाते हैं, जहां स्पेशल फोर्स के बहुत सारे कमांडो होते हैं। यहां एक हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है जो रडार में नहीं आते। अब फाइनल मीटिंग होती है जहां किसी को भी पूरा यकीन नहीं था कि उस घर में लादेन है, पर माया कहती है कि ओसामा बिन लादेन 100% उसी घर में है। और उसके इस कॉन्फिडेंट को देखकर डायरेक्टर उसे अटैक करने की परमिशन दे देते हैं। अब दोस्तों फाइनली वो दिन आ जाता है जब वो लोग अटैक करने वाले थे। अब 1 मई 2001 को रात के समय 2 हेलीकॉप्टर में कमांडो अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अबोताबाद जाते हैं। अब यहाँ मिसकम्युनिकेशन के चलते एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, लेकिन सभी कमांडो भी सही सलामत थे। फिर बाहरी दरवाजे को वो धमाके से उड़ाकर कमांडो मेन दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, अंदर से उन पर गोलियां चलने लगती है। अब यहाँ रिवर्स फायरिंग करने पर अंदर से गोलियां चलनी बंद हो जाती है। फिर एक औरत दरवाजा खोलती है, अंदर जाने पर वो अबू अहमद को मरा हुआ देखते हैं। वहाँ कुछ छोटे बच्चे भी होते हैं। इसके बाद कमांडो ऊपर जाते हैं जहाँ के दरवाजे को धमाके से नहीं तोड़ा जा सकता था, इसलिए वो पीछे के दरवाजे को धमाके से उड़ाकर सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ सीढ़ियों पर वो एक और आदमी को मार गिराते हैं। अंदर जाने पे उन्हें बहुत सारे कंप्यूटर दिखाई देते हैं और वहाँ कुछ फाइल भी होती है, जिन्हें देखने पर पता चलता है कि यह एक कंप्यूटर लैब है। यहाँ से पूरी दुनिया में आतंकवाद को फैलाने की साजिश की जा रही थी। वहीं घर के बाहर के लोग आवाज़ों को सुनकर एक साथ इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, तो एक कमांडो उन्हें वार्निंग देता है कि अगर उनमें से कोई भी आगे आया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। यह सुनकर वो लोग रुक जाते हैं। इधर कमांडो पूरे घर का एक एक हिस्से को देखते हुए थर्ड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें किसी की दबी हुई आवाज़ सुनाई देती है। कमांडो उसके पर गोली चला देते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें ज़मीन पर एक मरा हुआ आदमी दिखाई देता है। उसका चेहरा देखने पर वो उसके ऊपर कुछ और गोलियां चलाते हैं, और ये था दुनिया का मोस्ट वांटेड आदमी ओसामा बिन लादेन। यहाँ कमांडो लादेन की असैसिनेशन की खबर अपने हेडक्वार्टर पर देते हैं, तो उन्हें रिटर्न में ऑर्डर मिलता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हमारे मिशन का पता चल गया, और इसीलिए 15 मिनट के अंदर इस घर में पड़े हुए सभी सबूतों और ओसामा बिन लादेन की लाश को लेकर हेलीकॉप्टर से निकल जाओ। यह लोग ऑर्डर के मुताबिक यहाँ से निकल जाते और क्रैश हुए दूसरे हेलीकॉप्टर को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं, ताकि उनकी प्रेजेंस का किसी को पता ना चले। अब सभी कमांडो ओसामा बिन लादेन की लाश को लेकर अफगानिस्तान के कैंप में वापस आ जाते हैं। यहाँ माया पहले से मौजूद होती है। माया के अलावा लादेन को कोई नहीं जानता था। अब माया उस लाश को देख कर कंफर्म करती है कि यही उनका शिकार था, तो यहाँ दोस्तों उनका जैकपॉट लग गया था। अब दोस्तों माया ने इस केस पर अपने घर से दूर रहकर 12 साल तक काम किया, और फाइनली 12 साल बाद वो वापस अमेरिका जा रही है। इस वक्त हम माया की आंखों में खुशी के आंसू देखते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हुआ था लादेन का खात्मा। कहा जाता है कि उसकी लाश कोई भी नहीं ले रहा था, जिस वजह से उसे समुंदर में बहा दिया गया। वेल आपको कहानी कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।